हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सी स्क्वायर। तो आज हम ये वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप HDFC बैंक का नेट बैंकिंग पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है नॉर्मल, आपको नेट बैंकिंग में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप अपना नेट बैंकिंग यूज़र नेम डाल के आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। तो इनकेस आप पासवर्ड भूल गए तो आपको ये यहाँ पे क्लिक करना होगा, और सबसे पहले आपको एंटर करना होगा अपना कस्टमर आईडी। उसके बाद आपको ऑप्शन रहेगा, आपका दो ऑप्शंस रहता है, ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स होगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईमेल आईडी में ओटीपी जो है वो डालना होगा। तो आपको जो इजी लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये कैप्चा एंटर करके फिर मेरा मोबाइल और ईमेल दोनों में ओटीपी आएगा, वो डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये आपका एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद योर बैंक बोल रहा है। तो ये हम मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ये देखिए ओटीपी आएगा आपका मोबाइल और ईमेल दोनों में, तो वो यहाँ पे एंटर करना होगा। अब ईमेल आईडी चेक करते हैं। तो ये 3 डिजिट्स का ओटीपी रहता है। तो ये देखिए आपका सेट योर नेट बैंकिंग आई पिन, ये ऑप्शन आता है। तो आपको जो अपना नया पासवर्ड है यहाँ पे डालना होगा और उसको कंफर्म करना होगा। तो न्यू पासवर्ड डालेंगे, बट कंफर्म कर देते हैं। तो ये देखिए, ये कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आई पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसेट। तो आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं अपना नेट बैंकिंग को नया, ये आपका नया पासवर्ड डाल के। सो ऐसे आप अपना पासवर्ड, नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।